गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे लगे तो इसको शेयर करना। चैप्टर सेकंड कर रहे हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। कल हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, चैप्टर का नेम था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। जब एक फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है पार्टनर्स का, तब फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन कौन कौन सी कंडीशन में होता है उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। फिर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है एक्सिस्टिंग पार्टनर का, तब कौन कौन सी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो टुडे माई टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। टुडे माई टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, ठीक है, उस टाइम सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो किस प्रकार डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। तो पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो के बारे में रीड करते हैं, ठीक है, कि उनको समझना ज़रूरी है कि सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो क्या होता है। व्हाट इज़ सैक्रिफाइस रेशो, व्हाट इज़ गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, द रेशो इन विच वन और मोर ऑफ द एक्सटिंग पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है, जब वन या मोर एक्सटिंग पार्टनर, ठीक है, अदर पार्टनर्स के फेवर में अपना ओल्ड शेयर क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, सैक्रिफाइस रेशो। या फिर कह सकते हैं वन या मोर एक्सटिंग पार्टनर का जब शेयर डिक्रीज होगा, शेयर क्या होगा, डिक्रीज, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर व्हाट इज गेनिंग रेशो, ऐसे सेम गेनिंग रेशो। गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो में क्या होता है, शेयर डिक्रीज, और गेनिंग रेशो में क्या होगा, शेयर इंक्रीज। वन या मोर पार्टनर का शेयर जब इंक्रीज होगा, गेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशो। जब वन या मोर पार्टनर का शेयर डिक्रीज होगा, उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। ठीक है, कि इसमें क्या है, वन या मोर पार्टनर का जब शेयर क्या होगा, गेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं न्यू रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो के बारे में। सैक्रिफाइस रेशो, वन या मोर पार्टनर का शेयर जब डिक्रीज होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है कि टाइमिंग, ठीक है, वन या मोर पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज होगा, तब क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो। जब वन या मोर पार्टनर का शेयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा, गेनिंग रेशो। अब इंसुलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ टू रेशो वन, टू रेशो वन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशो। क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। पहले 2:1 में डिवाइड कर रहे थे, अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस, फिर ये कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर का कि किसको सैक्रिफाइस हुआ और किसको गेन हुआ है, उसको क्या करना, हमें कैलकुलेट करना है।
अब इसका सॉल्यूशन करते देखो, ओल्ड रेशो क्या हमारा, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी 1:1। ठीक है भाई, पहले उनका रेशो क्या था, ए और बी का 2:1 था। फर्स्ट अप्रैल 1906 उन्होंने डिसाइड किया कि रेशो क्या हो जाएगा उनका, इक्वली क्या होगा, 1:1। फिर क्या कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो, कैलकुलेट सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम सेक्रीफाइस या जब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड कोई से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन हो सकता है, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। ए हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू। ए का ओल्ड क्या है, 2+1 2/2+1 3 2/3। न्यू क्या है, 1+1 2 1/2। एलसीएम 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3। पहले इसको कितना मिल रहा था 4, अब कितना मिल रहा है 3। तो पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया इसका शेयर, तो क्या हो गया इसको सेक्रीफाइस, क्यों हमने यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ ए का ओल्ड कितना शेयर है 4, कि पहले उसको 4 शेयर मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा है 3। तो शेयर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होगा तो पार्टनर्स को क्या होगा सेक्रीफाइस, 1/6 क्या हो गया इसको सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड क्या है, 1/1+2 1/3 हो गया माइनस, ऐसे ही 1/2। एलसीएम 6, 3 को 6 से डिवाइड करें 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 3 से 6 से डिवाइड करेंगे 3, भैया एलसीएम है 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब बी का ओल्ड क्या है, 2 है, न्यू क्या है 3 है। तो पहले इसको 2 मिलते थे, अब कितने मिल रहे इसको 3 मिल रहे, तो इसका शेयर क्या हुआ इंक्रीज, और इंक्रीज हो गया तो बी को क्या हो गया गेन, क्या हो गया बेटा गेन। ठीक है बेटा, अगर जब शेयर डिक्रीज हो रहा है, ठीक, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू। तो जब शेयर डिक्रीज हो रहा है तो सेक्रीफाइस, शेयर इंक्रीज हो रहा है तो गेन, जैसे भी सीधा क्लियर है, ओल्ड रेशो माइनस ए का ओल्ड कितना है 4, न्यू कितना है 3। तो शेयर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, कि पहले 4 मिलते थे अब 3 मिल रहे हैं, तो इसका शेयर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया तो ए को क्या हो गया सेक्रीफाइस हो गया। ऐसे भी बी को पहले कितने मिलते थे 2, अब कितने मिल रहे 3, तो इसका शेयर क्या हुआ है इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा इसको गेन 1/6। ए को सेक्रीफाइस, बी को गेन हुआ है। क्लियर बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके।